इनकम टैक्स पैन कार्ड कैसे बनाएं, वो भी 3 दिन के अंदर आपकी मेल पर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली उसे डाउनलोड करके अपने फोन से कहीं भी जन सेवा केंद्र से, साइबर कैफे से आपको प्रिंट करा लेना है। चल नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आजाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आजाद टेक्निकल सपोर्ट में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप है जो अपना पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसका चेक स्टेटस भी कैसे चेक कर सकते हैं, और आपका जो पैन कार्ड है वो बाय पोस्ट कितने दिन में आके बन के आने वाला है। तो वो इस वीडियो में आपको मैं आज सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक जरूर देखें। तो सिंपली दोस्तों, एक्चुअली मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो यहाँ तक चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप तक ऐसी ही नॉलेजबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको कोई भी नॉलेजबल वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। सिंपली दोस्तों, आपको पैन कार्ड बनाने के लिए एक फॉर्म की ज़रूरत होती है जो कि इस प्रकार होता है। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। जी देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का फॉर्म होता है और इस तरह का आप यहाँ से पीछे भी प्रिंट करा सकते हैं। कुछ इस तरह का फॉर्म आपको अपलोड करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सिंपली इस तरह का फॉर्म प्रिंट कर लेते हैं और ये फॉर्म का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर सिंपली करना कैसे, ये दोस्तों फॉर्म भरना कैसे है, तो वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको ये वाला फॉर्म भरना कैसे है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का ये फॉर्म होता है। तो आपको यहाँ पर भरना क्या है वो आपको मैं यहाँ पर डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो आपको सिंपली इस वाले एरिया कोड में आ जाना, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो वो वाला कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको जो है श्री है, मिस्टर है, मिसेस है या कुमारी है, जो भी है, तो वो आपको यहाँ पर उनका लास्ट नेम एंटर करना है और बीच में जो है फर्स्ट नेम एंटर करना है, और अगर यहाँ उनका मिडिल नेम है तो यहाँ उनका मिडिल नेम भी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कार्ड ऑफ नेम डालना है, जो आपके कार्ड पर नेम आएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना पूरा जो है कार्ड ऑफ नेम पर पूरा नेम डाल देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ये बता रहा है हाउ टू एवरी वन टू नाउ विद अदर नेम, क्या इसके अलावा आपको कोई और नेम है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप अपने जो है इसे छोड़ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लाना, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप जो भी हैं तो इसे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, डे मंथ ईयर्स में आपको यहाँ पर फॉर्मेट में फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर नो पर टिक कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर आपका फादर्स का नेम डालेंगे, जो भी आपका फादर्स का फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर फादर्स पर टिक कर देंगे। सिंपली दोस्तों, आपको फादर्स का ही नेम डालना है, चाहे वो कुमारी हो या मिसेस हो, मिस्टर हो, तो आपको सिंपली सभी के फादर्स का ही नेम डालना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अपना एड्रेस फिल कर देना है, फ्लैट नंबर या रूम नंबर या ब्लॉक, आप जिस भी वार्ड नंबर रहते हैं तो वो आप जिस भी वार्ड में रहते हैं तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। एंड उसके बाद आपको अपना विलेज, टाउन या नगर निगम का वार्ड, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपनी जो तहसील है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट आपको जिला डाल देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो है स्टेट डाल देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है और आपको यहाँ पर कंट्री डाल देना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। सेकंड पेज पर आने के बाद सिंपली दोस्तों, आपको यहाँ पर रेसिडेंस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर रेसिडेंस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। एंड उसके बाद आपको इंडिया के से हैं आप तो यहाँ पर +91 लिख कर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। एंड उसके बाद आपको ये ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, आपको सिंपली ध्यान से डालना है क्योंकि आपका पैन कार्ड इसी मोबाइल नंबर से डाउनलोड होगा। तो सिंपली दोस्तों, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी, अगर आप जिस भी ईमेल आईडी पर पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं
तो सिंपली आपको वो वाली ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है जो आप हमेशा से चलाते आ रहे हैं। दोस्तों ईमेल आईडी बहुत ही संभल कर डालिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही पैन कार्ड भेजती है सरकार। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल डालने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, ये इंडिविजुअल लिखा हुआ है इस पर आपको यहाँ पर टिक मार्क कर देना है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको देखना है जो 12वां कॉलम है इसमें आपको आधार नंबर डालना है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में अपना जो है आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पर सैलरीड वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सोर्स ऑफ इनकम, तो आपको यहाँ पर नो इनकम पर सेलेक्ट टिक मार्क कर देना है। एंड आपको ये ऑप्शन मैं बाद में बताऊंगा, ये दोस्तों आपको बिल्कुल ही नहीं भरना है, इसमें कुछ नहीं भरना पड़ता है। उसके बाद आप सिंपली ये इस कॉलम में आ जाएंगे, इस कॉलम में आपको यहाँ पर आधार डाल देना है, उसके बाद इस कॉलम में भी आपको आधार डाल देना है और आपको इसमें भी यानी कि तीनों कॉलम में आपको आधार आधार फिल कर देना है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर हिमसेल्फ या हर सेल्फ जो भी है तो उसका आपको यहाँ पर नाम डाल देना है और यहाँ पर इसका सेल्फ सेल्फ डाल देना है और इसके प्लेस डाल देना है जहाँ से आप बना रहे हैं वो आपको यहाँ पर प्लेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर डेट डाल देनी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक भरा हुआ फॉर्म दिखा दे रहा हूँ। सिंपली दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। आप चाहे आप NSDL से भी भर सकते हैं, आप UPL से भी भर सकते हैं और आप इंडिया डिजिटल पोर्टल से भी भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों वेबसाइट से आपको 3 दिन में पैन कार्ड प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो NSDL हो या UPL हो या आपकी इंडिया डिजिटल पोर्टल हो। अगर आपके पास इन सब की आईडी नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको आईडी बनाकर दे दूंगा। आईडी का जो चार्ज है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको जो चार्जेस है वो आपको पैन कार्ड के पहले ही देना पड़ता है, फॉर्म भरने से पहले आपका जो चार्ज है वो पैन कार्ड का आपको फॉर्म भरने से पहले से इन सब में देना पड़ता है। हालांकि आपको NSDL में ये चार्ज पहले नहीं देना पड़ता है, आपको फॉर्म भरने के बाद देना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको पैन कार्ड ऑनलाइन भरना नहीं आता या आपको पैन कार्ड के लिए आईडी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करिए, मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा आपको आईडी कैसे लेनी है, आपको आईडी कहां से मिलेगी। और आपको अगर दोस्तों आपका जो अपना पैन कार्ड आपको अपडेट करना है दोस्तों, तो मैंने आज आपको बता दिया है कि आपको पैन कार्ड का फॉर्म अपना कैसे भरना है एंड भरने के बाद आपको क्या करना है और अपलोड कैसे करना है, वो आपको सारी वीडियो में अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी आपको जानकारी दे दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए हो, अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता तो आप ये वीडियो देख सकते हैं एंड आपको उस अगली वीडियो में आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है और आपको ऑनलाइन अपडेट का डॉक्यूमेंट कैसे करने हैं, तो आपका पैन कार्ड कितने दिन में बन के आ जाता है वो आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है कि आपका 3 दिन में जो है पैन कार्ड बन के आ जाएगा। आपको किस आईडी से पैन कार्ड बनवाना है और आपको कौन सी आईडी लेनी चाहिए और जिससे आपको पैन कार्ड बहुत ही जल्दी आ जाएगा दोस्तों, तो आपको सिंपली दोस्तों उस आईडी को ही लेना चाहिए। तो आपको सिंपली मैं बता दूं आपको यहाँ पे आप NSDL, UTL और इंडिया डिजिटल पोर्टल आप किसी से भी पैन कार्ड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सिंपली आपको अगर पैन कार्ड की और भी जानकारी चाहिए, आपका पैन कार्ड खो गया है, आपको कहाँ से पैन कार्ड प्राप्त होगा एंड आपको पैन कार्ड अपडेट करना हो, आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ अपनी अपडेट करनी हो, आपके सिग्नेचर अपडेट करने हो, आपका नेम अपडेट करने हो, तो वो आपको मैं सारी जानकारी देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आप अगर आपको वीडियो कोई पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। अगर आपको दोस्तों पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए एक पैन कार्ड के लिए बहुत ही अच्छी और नया वीडियो नॉलेजेबल बना दूंगा, जिससे कि आपकी जो सारी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।